आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 सालों में कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जो देश के लिए सरप्राइज था। नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति तक प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिन्होंने तो पहले लोगों को चौंकाया, लेकिन फिर ये यकीन भी दिला दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के लिए मुझे आप सभी के बहुत सारे पत्र मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ मन की बात करते हैं, बहुत से संदेश, अपनी भावनाएं और विचार साझा करते हैं। लेकिन पीएम मोदी के मन के प्रांगण का एक कोना ऐसा है जो आश्चर्यों से भरा है। 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर ऐसे फैसले लेते रहे जिन्होंने देश को सरप्राइज किया। सरप्राइज का सिलसिला 2014 में शपथ ग्रहण से ही शुरू हो गया था, जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया था। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कभी कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान बनकर नहीं आया था। अगले साल प्रधानमंत्री मोदी ने इससे भी बड़ा सरप्राइज दिया। 25 दिसंबर 2015 को वो अचानक लाहौर पहुंच गए। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शरीफ के नातिन मेहरुन निसा के निकाह पर तोहफा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान के संबंधों पर जमी बर्फ को पिघलाने की गंभीर और ईमानदार कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों और आतंकी चरित्र से बाज नहीं आया। अठारह सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया। इसमें 19 वीर जवान शहीद हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को इस पाप की सजा देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। ग्यारह दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तान से उरी का प्रतिशोध ले लिया। 28-29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ने और पैरा कमांडो की टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। फौज अंदर गई है और इसके लिए कैसा है कि पाकिस्तान को भी चेतावनी है कि अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले, हम रिएक्ट करेंगे। इस तरह से वो बहुत अच्छा कदम रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का। भारतीय सूरमा एलओसी पार कर पीओके में करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकवादी शिविरों को मटिया मेट कर दिया। करीब 40 आतंकियों का सफाया कर दिया। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन पूरा हो गया। पाकिस्तानी फौज जब तक कुछ समझ पाती तब तक भारतीय सैनिक सुरक्षित अपनी सीमा में लौट चुके थे। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया।
जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक के 40 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और जबरदस्त सरप्राइज दिया। इस बार उन्होंने ब्लैक मनी पर स्ट्राइक की। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करना शुरू किया, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो नोटबंदी की क्रांतिकारी घोषणा करने जा रहे हैं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी ने न सिर्फ ब्लैक मनी के तंत्र पर करारी चोट की, बल्कि नक्सली और आतंकियों के फंडिंग के नेटवर्क को भी काफी हद तक कमजोर किया। लेकिन नोटबंदी को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाए। हालांकि जानकारों की राय में नोटबंदी ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने की दिशा में कारगर साबित हुई। आम आदमी है उसको मुश्किल हो रही है, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हर बैंक में आप कुछ ना कुछ सुविधा दीजिए, पानी की सुविधा दीजिए, महिलाओं के लिए स्पेशल लाइन लगाइए, ऐसे ये काम करने का तरीका नहीं। नोटबंदी के टाइम ये जो पैसा उनके पिगी बैंक में था, ऐसे कहेंगे तो चलेंगे, उनके बॉक्स में था, वो पैसा सब बाहर आया और ये बैंकिंग चैनल के माध्यम से बैंक की डिपॉजिट बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों से कई बार लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लोग जो सोच भी नहीं पाते वो पीएम मोदी करके दिखाते हैं। जी न्यूज के साथ स्पेशल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरप्राइजिंग स्टाइल को लेकर क्या कहा था, वो आप भी सुनिए। आप लोगों ने सुनी सुनाई बातों से मोदी का एनालिसिस करते, इसलिए गलती होती है। बाकी अगर मोदी क्या करेगा वो परफेक्ट स्टडी करोगे तो आप आराम से तय कर, हाँ ऐसा हुआ, जरूर 10 दिन के अंदर मोदी ये कुछ करेगा। कुछ करेगा भी से अलग है, वो क्या करेगा वो तो मैं क्यों आपको पता चलने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, इसलिए वो देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेने में नहीं हिचकते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पित और उसके लिए देश के इंटरेस्ट के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसको पूरी दक्षता के साथ करने के लिए प्रेरित करना और खुद उसको मॉनिटर करना, ये वो हमेशा करते हैं। जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो हमेशा देश हित में लिया है। ...2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 28 महीने बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद के खंजर से भारत की पीठ पर वार किया। पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर फिदायीन हमला हुआ जिसमें 40 जाबांज शहीद हो गए। देश पुलवामा का प्रतिशोध चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर एक बार फिर सीमा पार कर पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार करने का निर्णय किया गया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम वर्षा की। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई शिविर नष्ट हो गए और करीब 300 आतंकवादियों और उनके कमांडरों की मौत हुई। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने फिर सफेद झूठ बोला। उसने भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक को नाकाम बताया। पाकिस्तान की बात पर दुनिया में किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्यवश देश में विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने तो सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत भी मांगे। अमित शाह कहते हैं 250 मार दिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मार दिए, तो ये बताएं तो कि कितने मरे हैं। पूरे विश्व में इस बात पर अनेक लेख आ रहे हैं, जहां इसे इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये तो उन्हीं के हित में है कि इस बात को स्पष्टीकरण करें। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक का फैसला कर प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत के प्रचंड पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। बोल्ड डिसीजन मतलब वो हेजिटेट नहीं करते। आत्मनिर्भरता की डिसीजन ही अपने आप में एक बहुत बोल्ड डिसीजन थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करना बड़ी बोल्ड डिसीजन थी। एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट करना बोल्ड डिसीजन थी। पाकिस्तान को उड़ी में पलटवार करना, बालाकोट में पलटवार करना अपने आप में बहुत ही बोल्ड डिसीजन थी और जिससे पाकिस्तान झरक गया। मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और दो महीने बाद 5 अगस्त 2019 को देश को बहुत बड़ा सरप्राइज मोदी सरकार ने दिया और वो था अनुच्छेद 370 की समाप्ति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 की वजह से देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान थे। ये व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ा। आतंकवाद और अलगाववाद पर अंतिम प्रहार किया गया। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। अनुच्छेद 370 खत्म करने का निर्णय देशवासियों के लिए ही नहीं, विपक्षी दलों के लिए भी सरप्राइज था। 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस से लेकर पीडीपी तक ये पार्टियां आज तक इस झटके से उबर नहीं पाई, इसलिए वो मौके बेमौके पर 370 का राग अलापते रहते हैं। ये कब तक छुपाएंगे दुनिया से कि जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने बर्बादी की, जो बर्बरियत की, उसको कब तक दुनिया से छुपाएंगे? आखिरकार तो ये बात निकल आएगी। खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गई है। बहुत जरूरी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन जानकारों की राय में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का वो सूरज उगा है जिसका इंतजार 7 दशकों से था। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को कतई नहीं मानते थे कि संवैधानिक तौर पर धारा 370 को कभी हटाया जा सकता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब थे
और उनका साहसिक निर्णय था कि धारा 370 भी समाप्त की गई और एक देश में दो कानून और दो झंडे भी समाप्त कर दिए गए। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 3 जुलाई 2020 को अचानक लद्दाख पहुंचे तो चीन भी चौंक गया। पीएम मोदी ने नीमू के फॉरवर्ड पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया, चीन के विस्तारवाद पर प्रहार किया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।